दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास चित समाधि देने वाला, चित को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को आनंदित करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और एक आनंद का जरिया खोलने वाला, हमारे चित्त के अंदर चित्त की समाधि देने वाला और हमारा कल्याण करने वाला, हमें मानसिक देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों में विधायक भाव पैदा करना, लोगों में परिवर्तन लाना, ताकि लोग स्वयं भी सुखी रहे, उनका परिवार सुखी रहे और पूरा समाज सुखी रहे। तो इसी क्रम में एक हम दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का विषय है अनाशक्त भावों से ही मुक्ति संभव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है। इन दो शब्दों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारा काम हो गया। एक तो अनाशक्त भाव और एक मुक्ति। अनाशक्त भाव, अनाशक्त भाव का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना। और हमारी भारतीय संस्कृति के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने धर्म हैं, उन्होंने भी माना है कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति की भावना है वह परिग्रह है। जैसे मान लीजिए आपका मकान है, तो ये मकान आपका है, तो वो तो वस्तु है, आप रह रहे हो, लेकिन आप कहते हो मेरा मकान। ये जो मेरा शब्द आया है, ये आसक्ति है, ये अटैचमेंट है। और आप कहते हो हमारी पुरानी माताएं, हमारी पुरानी दादियां, पुरानी नानियां कहा करते थे, उनको पूछा जाता था कि आपके कितने बेटे हैं, आपके आपके क्या 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 काम करते हो, कि माया महादेवरी है, मारे तो 5 बेटा है, मारे तो खेत है, सब भगवान रो, ईश्वर रो। देखिए ये बात है, ये अनाशक्ति की भावना है। आपको जो मिलना है, आप जो पुण्य संचय करके आए हो पूर्व जन्म के अंदर, वो अपने आप मिलेगा। आप पुरुषार्थ करोगे तो भी मिलेगा, न करोगे तो भी मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ करते रहना है, लेकिन पुण्योदय होगा वो मिलेगा, लेकिन उसके प्रति जो भावना मेरेपन की भावना नहीं होनी चाहिए, उसको हमारा सब समझना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा बंगला है और एक बंगला के अंदर आप ये सोचते हो कि ये मेरा बंगला, तो आपकी भावना में क्या आएगा, ये गंदा नहीं होना चाहिए, ये साफ सुथरा नहीं होना चाहिए, ये टूटना चाहिए नहीं चाहिए, इसमें भूकंप आवे तो कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए और किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए, ये साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मेरापन जुड़ गया। और एक आप अपने आप को कहते हो कि मैं तो इसका चौकीदार हूँ, मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ, मैं तो इसका देखभाल करने वाला हूँ, ये मेरी कस्टडी के अंदर है। देखिए चीज आपकी, मकान आपका, प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन भावना भावना में फर्क हो गया। जो ही आपने किसी भी वस्तु को अपना ट्रस्टी समझा, आपकी भावना बदल गई। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो एक दिन जाने वाला हूँ, मेरा तो ये शरीर नाशवान है, कभी भी जा सकता है, ये प्रॉपर्टी साथ नहीं लेके जा सकता। अरे ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी ये भी साथ नहीं जाती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी, धन, बंगले, ये सब चीज़ें कैसे जाएगी, पारिवारिक जन कहाँ जाएंगे साथ में, कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये चिंतन करने का लिए एक चिंतन कैसे आएगा, अनाशक्त भावों से आएगा, और अनाशक्त भावों से ही मुक्ति है। मुक्ति की बात कहते हैं, मुक्ति क्या है, मुक्ति का अर्थ होता है किसी भी चीज के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं, नॉन अटैच्ड रहना। जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही रहे, नीर के आश्रय पर जल छुवत नाही। विवेकानंद जी ने कहा है कि रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। जिस तरीके से कमल का पौधा होता है वो कीचड़ के अंदर खिलता है, तो कमल तो सोचता है कि मैं तो कीचड़ से बहुत ऊंचा हूँ, यानी उसका, आप दुनिया में ऐसे रहो, परिवार के बीच में रहो, सब सदस्यों के बीच में रहो, लेकिन आपका तारतम्य, आपका तादात्म्य, आपका तार ईश्वर से, आत्मा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो कीचड़ क्या समझता है, वो तो मेरे साथ है, कमल सोचता है मैं तो इससे ऊपर उठा हूँ, दोनों का काम हो गया। तो इसी तरीके से रहने की ये पद्धति है, व्यक्ति अनाशक्त भावों से रहना चाहिए। उसको जो है वेदांत की भाषा में बात कहूँ, उनको विधेय कहा जाता है। और विधेय के लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि राजा जनक जो सीता के जो पिता थे, वो बहुत बड़ा जो है उनका संचालन मिथिला,
ये बड़े राजा थे और बहुत बड़ा संचालन वो करते थे, राजपाट चलाते थे, लेकिन वो विदेह थे। विदेह का अर्थ होता है कि शरीर में रहते हुए शरीर का भान न होना, शरीर को अलग समझना, आत्मा को अलग समझना। वो तो समझते थे कि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा कभी भी जाने वाली, वो अजर है, अमर है, वो जो है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। मुझे तो उसके अंदर विलीन होना और वही मुक्ति है। तो इसीलिए जो विदेह होता है वह जीवन मुक्ति हो जाती है, क्योंकि वो जीवन से मुक्त हो जाता है, उसको किसी भी चीज के अंदर आसक्ति नहीं रहती है, वो सब काम करता है, एक कॉमन मैन करता है। भगवान राम थे, वो विदेह थे, वो सब काम किया उन्होंने, शादी की, बेटे हुए, भाई थे, राजपाट किया, जंगल में जाए, लड़ाई करी, कितने का नरसंहार किया उन्होंने, रावण को मारा और उसके अतिरिक्त कितने कितने दुष्टों को मारा, कितने कितने राक्षसों को मारा, सब कुछ कार्य किया, लेकिन विदेह थे, उनको कोई पाप नहीं लगा। क्यों पाप नहीं लगा? कि वो अनाशक्त भावों में जीते थे, उनके मन के अंदर किसी के प्रति आसक्ति और राग द्वेष नहीं था। वो किसी को मारते थे तो ये नहीं कि इसको जो द्वेष के रूप में मारा जाए, वो तो अपना कर्तव्य समझते थे कि ये जो राम के भक्त हैं, यानी जो प्रभु भक्ति करने वाले हैं, उनको ये सताते हैं, मतलब ये सज्जन लोगों को सताते हैं, दुष्ट लोग हैं, तो ये दुष्ट लोग किस काम के, इसीलिए उनका जो है वो मारा करते थे। वो ये जस्टिस था उनका, और वह जो है वो बिल्कुल जो कार्य करते थे कर्तव्य भावना से करते थे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो है अनाशक्त भावों से मुक्ति, कोई भी कार्य करो उसके अंदर आसक्ति नहीं रखनी। मैं और मेरा, ये दो शब्द है, ये व्यक्ति को डुबा देते हैं, ये व्यक्ति को जो है 84 लाख जीवायोनि में घुमाते हैं और सभी समस्याओं की जड़ मैं और मेरा में है। ये आसक्ति के भाव हैं, और हम और हमारा बोलो आप, ये घर हमारा है और हम मिलकर के ये कार्य करेंगे। ये सब कार्य हमने सबने मिलकर के किया और ये काम मैंने किया, ये घर मेरा है। अब देखिए कितना फर्क है, घर में 10 लोग रहते हैं तो हमारा कहने में क्या प्रॉब्लम है, और हमने 10 लोगों ने मिलकर के, आज 15-20 लोग मिलकर के चैनल 24 चला रहे हैं, कोई अकेला व्यक्ति करे, मैं चला रहा हूँ, ये चैनल मेरा है। अरे भाई, सभी मिलकर के चला रहे हैं तो ये मेरा और मैं हैं, ये सब दुख का कारण है और यही आसक्ति है। ये मैं इस एपिसोड के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ, हर वक्त अनाशक्त भाव रहिए, रखिए आप। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम थोड़ा इसको सीनियर वर्तमान सीनेरियो से जोड़ रहे हैं। देखिए, आज व्यक्ति जो है स्वार्थी हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, और व्यक्ति हर चीज़ अपने स्वार्थ की नज़र से देखता है, उसमें स्वार्थ की भावना इतनी घर कर गई है, उसके मन में, दिमाग में हर वक्त रहता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, यानी मेरे को क्या है, मेरा काम हो जाना चाहिए, अगला मरे अगला जिए, मुझे कुछ लेना नहीं है, ऐसी भावना घर करती जा रही है। ये मैं और मेरापन की उत्कृष्ट भावना है। इससे क्या होता है, इससे समाज बिगड़ता है। ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग बढ़ते जाते हैं तो घर के अंदर विषमता पैदा हो जाती है। और मान लीजिए घर के अंदर 3 या 5 बेटे होते हैं और हर और उसमें से कुछ सदस्य इस तरीके से स्वार्थ की भावना करते रहते हैं, वो तो अपने अच्छी चीज़ होती है, लॉन्च शेयर खा देते हैं, अच्छा कपड़ा मैं पहन लेते हैं, और कोई सेक्रीफाइस नहीं करते, कोई काम के अंदर हाथ नहीं बटाते, तो वो बताइए वो स्वार्थ की भावनाएं ये विषमता पैदा करती है, और ये आसक्ति के कारण होता है, मैं और मेरेपन के कारण होता है। इस आसक्ति की भावना को छोड़ना है। आज हो क्या रहा है कि हमारी मैथमेटिक्स के अंदर जो एक थ्योरम आती है कि एक केंद्र के द्वारा एक वृत्त खींचा जाता है, तो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो पावरफुल होता है, वो आकर्षण का केंद्र होता है। आज से हम 20-30-50 साल पहले जाए, उस केंद्र के अंदर मनुष्यता थी, इंसानियत थी, और जो गुणी व्यक्ति होते थे, चरित्रवान होते थे और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाले संत पुरुष वगैरह होते थे, अच्छे लोग होते थे, उनकी हमेशा पूजा की जाती थी और उनसे जो है वो गुण ग्रहण किए जाते थे, और परिधि के ऊपर हमारे साधन, धन, दौलत, पैसा, अर्थ जो है परिधि पे था। लेकिन समय बदला, लोगों के अंदर जो है लालसा पैदा हुई, लोगों के अंदर आसक्ति पैदा हुई, तो उससे क्या हुआ कि व्यक्ति को परिधि पे पटक दिया, और परिधि पे जो धन अर्थ था उसको सेंटर में ले आए, तो मानसिकता बिगड़ गई
कि एन के एन प्रकार इन बाई हुक और क्रूक आई एम टू अर्न द मनी बिकॉज मनी इज द सिंबल ऑफ द स्टेटस ऑफ द सोसाइटी. हमें सोसाइटी के स्टेटस जो है अर्थ के स्टेटस को बदलना होगा और मूल्यों की स्थापना करनी होगी. चरित्रवान लोगों को स्थापना सोसाइटी में उन लोगों को तवज्जा दी जानी चाहिए जो जिनके पास में गुण हैं, जो चरित्रवान हैं, लोगों की भलाई करने वाले हैं, परोपकारी लोग हैं और अच्छा कार्य करने वाले हैं, उनको तवज्जा दी जानी चाहिए. मात्र जिसके पास अर्थ है और उसी को ही हम बड़ा माने, उसी को आगे बिठाएं, उसी को स्टेज पे लाएं, उसी के गुणगान करते रहें, तो ये अच्छी चीज नहीं है. चरित्र की गुण ये साधन है हमारी, जो ये अर्थव्यवस्था ये एक साधन है, लेकिन ये साध्य नहीं है. साध्य हमारा चरित्र है, साध्य हमारे मूल्य हैं, साध्य हमारे जो है अनाशक्त भावना हमारा साध्य है. आप अनाशक्त भावना रखेंगे तो सबसे बड़ा क्या लाभ होगा, मैं आप उसको लाभ बताना चाहता हूँ. अनाशक्त व्यक्ति जो है उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि वो तो सबको मैत्री रूप में समझेगा. उसके तो जो है किसी के प्रति बुरी भावना है ही नहीं, कोई आशक्ति है ही नहीं है. वो तो कहते हम और हमारा है, मैं और मेरा का, मैं और मेरा का उसने क्या है, उस मैं और मेरा की जहर की थैली को जो है उसने काट दिया, उसको अलग कर दिया. तो इसलिए जब मैं और मेरा नहीं है तो हमेशा खुश रहेगा. और दूसरी बात क्या है, व्यक्ति प्रसन्न रहेगा. अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में कितने भी आदमी को झंझावत आवे, कभी भी आदमी प्रभावित नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा. तो देखिए हर व्यक्ति सुख चाहता है, तो लेकिन सुख कैसे मिलता है ये उसको पता नहीं है. सुख मिलता है अनाशक्ति की भावना से, क्यों अनाशक्ति भावना से तो मुक्ति मिल जाती है. मुक्ति उनको ही मिलती है जो अनाशक्त लोग होते हैं. अनाशक्ति एक साधना है, अनाशक्त जो है एक मुक्ति तक पहुंचने का द्वार है. जैसा कि मैंने अभी विदेह की बात करी है, वो अनाशक्त भावना से जुड़ा हुआ है. अनाशक्ति से मुक्ति जा सकते हैं तो मुक्ति तो बहुत बड़ा हमारा साध्य है. और उसका शॉर्ट रूप जो है हमें मानसिक शांति मिलती है, वही हमारा मोक्ष है. कि हमें हर परिस्थिति के अंदर हम कभी प्रभावित नहीं हों, हर परिस्थिति के अंदर हम खुश रहें, दुख में भी खुश रहें. और सुख में तो व्यक्ति खुशी रहता ही है. कहा भी क्या है, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो. इसीलिए हमें हमेशा जो है ईश्वर भक्ति में अनाशक्ति भावना, ये ईश्वरीय गुण है. अनाशक्ति भावना स्वयं ईश्वर है. जो व्यक्ति अनाशक्त भावना से रहता है वह एक ईश्वर का ही रूप है, वो एक अच्छा मानव है. इसीलिए हमें उस भावना करना, और आज ये जो हमारा सिनेरियो जो बदल रहा है, लोगों के माइंडसेट को बदलना है. और यही हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों में बदलाव आवे, लोगों के अंदर मानवीय मूल्य आ जाए, हमारे जो मूल्यों की प्रतिष्ठा गिरी है उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना जो है वो हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है. तो मैं और मेरा छोड़ेंगे, हम और हमारा करेंगे और ट्रस्टीशिप को करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कोई बुराई नहीं आ सकती, आप में कोई टेंशन, कोई अनाशक्ति और कोई तरह की आपकी बीमारी आप आएगी नहीं. हर वक्त आप प्रसन्न रहोगे. और देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निष्कर्ष की भाषा में बात करूं कि जो अनाशक्त व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के साथ सभी रहना पसंद करते हैं. समाज में ऐसे लोगों की बहुत इज्जत होती है, समाज में ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है, क्योंकि वो सबका भला करेगा, वो किसी के साथ शोषण नहीं करेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा. उसको पक्षपात करना ही नहीं है, पक्षपात तो उसको उसने पहले ही छोड़ दिया है. और ये रास्ता है परोपकार की ओर ले जाता है, और ये जीवन का सही गंतव्य है. क्योंकि हम खुद जो है गहराई से चिंतन करो, जब आप अकेले बैठे हो तो अपने अंदर तीन प्रश्न करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है. जब ये प्रश्न खड़े होते हैं तो दर्शन पैदा होता है, और दर्शन के पैदा होने से धर्म पैदा होता है, और धर्म पैदा होता है तो मुक्ति की बात आती है. और इस तरीके चिंतन से हमारे अनाशक्ति आती है, हम सोचने लग जाते हैं गहराई में. जब मेडिटेशन में गहरे डीपली चले जाते हैं तो हमको निष्कर्ष मिलता है कि भाई तेरा ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो अजर है, अमर है, वो अविनाशी है, और वह तत्व है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है. और ये शरीर तो आपने कितनी बार धारण किया, भगवान कृष्ण ने ये कहा गीता के अंदर कि जिस तरीके से व्यक्ति का जो है वो कपड़े
पुराने जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो व्यक्ति कपड़ा जो है पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़े को फेंक करके नया वस्त्र धारण कर लेता है। उसी तरीके से हमारा जो आयुष्य होता है, वो आयुष्य की समाप्ति पर जब हमारा ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो इस जीर्ण शीर्ण को जो इस शरीर को छोड़ करके शुद्ध आत्मा भगवान है वो दूसरे शरीर करके अंदर विराजमान हो जाते हैं और अपने कर्मों के अनुकूल जो है वो वापस जो है अपना कार्यकलाप करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो है अनाशक्ति बहुत सुंदर गुण है। आप कभी ये चिंतन करें कि मुझे अच्छे अच्छे पुष्पों को चुनना है, मुझे एक हार बनाना है जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प हो, मुझे एक माला बनानी है जिसके अंदर सुंदर सुंदर मणके हो, तो उसमें से अति सुंदर मणका जो है वो अनाशक्त भावना है। इस गुण को जीवन में उतारिए। देखिए कि जब तक हमारी कोई भी चीज आत्मसात नहीं होती है, जीवन के अंदर धारण नहीं की जाती है, तो वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग नहीं बनता है। अभिन्न अंग नहीं बनने के कारण जो है हम भटक जाते हैं। हमको अगर स्थिर रहना है और अच्छा जीवन जीना है तो हम सुंदर सुंदर गुणों को धारण करें। उसमें से अति सुंदर गुण है ये अनाशक्ति की भावना है। अनाशक्ति भावना आप करके देखिए। मान लीजिए क्रिकेट की एक टीम है और क्रिकेट की टीम में 11-12 मेंबर होते हैं और ये एक व्यवस्था है। एक कप्तान बनाया जाता है, एक असिस्टेंट कप्तान बनाया जाता है, हर जगह व्यवस्था है। घर में एक वरिष्ठ नागरिक माता पिता होते हैं और फिर उसकी देख रेख में काम करने वाला होते हैं, फैक्ट्री का एक मालिक होता है, मैनेजर होता है उसकी देख रेख में, ये व्यवस्था है। लेकिन उस व्यवस्था के अंदर जो है सबको हिलमिल करके काम करना है। सभी यही सोचे कि हम इसके पार्ट एंड पार्शल, एक फैक्ट्री के 1000 मजदूर है, हर मजदूर के अंदर अनाशक्ति की भावना होनी चाहिए कि मेरी फैक्ट्री जो है वो बहुत अच्छा अर्न करनी चाहिए और फैक्ट्री के मालिक के अंदर ये अनाशक्ति की भावना होनी चाहिए कि मुझे जितना इसका शेयर चाहिए 10%, 20%, बाकी का जो 80% बचा हुआ है मजदूरों ने कमाया है, वो मजदूरों के अंदर वो बांट देता है बोनस के माध्यम से, सैलरी के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम के अंदर, तो फैक्ट्री जो है वो चलती रहती, दौड़ती रहती। वो मालिक चाहे उस फैक्ट्री में बैठे या ना बैठे, कंट्रोल करे या ना करे, फैक्ट्री अपने आप चलेगी, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि मेरी फैक्ट्री है, ये हम सबकी फैक्ट्री है और इसी का नाम सर्वोदय है। जब हम ऐसी सुंदर भावना करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हमारी प्रकृति के अंदर जो नेगेटिविटी बढ़ गई है उसकी जगह पॉजिटिव, अनाशक्ति का भाव पॉजिटिव का जाएगा, उस नेगेटिविटी हटाएगा उसको। ज्यों ज्यों लोग ज़्यादा जो है अच्छी अच्छी बातें सोच करके और इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर माँ के अंदर छोड़ेंगे, तो हमारा वायुमंडल, हमारा जो विचारों का प्रदूषण है वो प्रदूषण हटेगा और हमारे सुंदर विचार मिलेंगे। देखिए पुद्गलों का अपना प्रभाव होता है। विचार एक पुद्गल है कि आप कोई ऐसी अच्छी जगह, जो मंदिर में चले गए या बड़े संत के पास जाकर के बैठ गए, तो वहाँ पर क्योंकि पुद्गल अच्छे हैं, अच्छा चिंतन किया जाता है वक्त में, वहाँ आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। और दूसरी जगह जहाँ पर बुराई की भावना, अपराध किए जाते हैं, जहाँ मिलावट की जाती है, चोरी की जाती है, डकैती की जाती है, हिंसा की जाती है, लुटेरे रहते हैं, तो वहाँ के परमाणु अशुद्ध होते हैं, वहाँ जाके आपको भय लगेगा। आप सोचेंगे कि यहाँ डर लग रहा है, मैं मरूंगा, मुझे मार देगा कोई, मेरा जो है मर्डर कर देगा, वहाँ आपको तुरंत आ जाएगी। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये पुद्गलों का बड़ा प्रभाव होता है, विचारों का बड़ा प्रभाव होता है। अनाशक्ति भावना आप जीवन के अंदर आज ही जो है वो आप पाल करके देखिए, कल से देखिए। ट्रस्टीशिप, हर चीज़ के अंदर ट्रस्टीशिप लागू कीजिए। आपके अंदर आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसमें ट्रस्टीशिप करिए और मैं और मेरा बोलना बंद कर दीजिए। हम और मैं शब्द आए वहाँ हम बोलो, और जो है मेरा आवे जहाँ हमारा बोलो, तो आपको स्वयं देखोगे कि आपके अंदर परिवर्तन आया है और आपके लोग भी जो है आपको प्रेम करने लग जाएंगे कि ये व्यक्ति सबका चिंतन करता है, ये व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, ये व्यक्ति निस्वार्थ है। जो निस्वार्थ की भावना है एक अच्छा गुण है। हमें गुणों
गुणों को लेना है, हमें अच्छाइयों को लेना है, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है अच्छाइयों के लिए मिला है। मनुष्य जीवन अच्छाइयों को पैदा करना, अच्छाइयों को जीना और अच्छाइयों को बांटना उसके लिए मिला है। लेकिन जब आज समय बदल गया, बुराई बुराई चारों तरफ फैल रही है, आप प्रिंट मीडिया को देखिए चाहे टीवी मीडिया को देखिए, सिवाय बुराई के, अपराध के, कत्लेआम के, हिंसा की बातें मिल रही है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे इस पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए उसके सामने पॉजिटिविटी खड़ा करो। हमारे घर के अंदर कोई भी ये गुंडा आ गया और घर को दबा के बैठा है, तो आप बड़े गुंडे को ला करके खड़ा कर दोगे तो गुंडा भाग जाएगा। इसीलिए आपके अंदर बुरा भाव आए उसकी जगह शुभ भाव को खड़ा कर दीजिए, पॉजिटिव विधायक भाव को खड़ा कर दीजिए। अनाशक्ति की भावना एक पॉजिटिव भावना है, बहुत बड़ी ऊंची भावना। इससे मुक्ति मिलती है, इससे व्यक्ति जो है सब जो सीमाओं से मुक्त होकर के आनंद का जीवन, स्वतंत्र जीवन जीने लग जाता है। तो उसको आप अपनाइए तो आपको सहज ही फर्क आया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम कोई तरह का तंत्र मंत्र कोई किसी विषय, हम तो एक ही चीज में विश्वास करते हैं कि हमारा विधायक भावों को पैदा कीजिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमेशा पॉजिटिव सोच की तरफ बात करता है, पॉजिटिव थिंकिंग ही हमारा उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जागृति आए और लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े, उससे हमारे वातावरण के अंदर, हमारे कॉस्मॉस में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और इसी कारण आपका जो जीवन धन्य होगा, आनंदमय हो गया, सुखमय हो गया। कार्यक्रम को देखते रहिए और पुनरुत्थान कार्य के अंदर जो जो टिप्स और जो जो गुण और जो जो पॉजिटिव थॉट्स बताए गए हैं उसको जीवन में उतारिए। आपके प्रति मंगल।